वीडियो शूट कर रही हूँ और सामने मुझे डर भी लग रहा है। नजर ही नहीं आ रहे आप लोग, भूख लग रहे हो। आप नजर आए। ओए बस रात का टाइम है, दो बज रहे हैं। दो नहीं बज रहे हैं, अभी 8 बजे। ये बात तो सही है। आज इन बच्चों ने रोजा नहीं रखा था, एंड पे ही हुआ था। आज हम लोग बना रहे हैं बारिश। स्टार्टिंग में तो वैसे गर्मी थी, अभी अच्छा मौसम हुआ है ना। बाकी सारे अभी इफ्तारी कर रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं। हवा अभी इतनी नहीं है लेकिन बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है। अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, उधर हुई है पहले, बहुत तेज हो रही है। और अब थोड़ी रात पे ठंड लगेगी, चलो अच्छी बात है। वैसे गर्मी लगती रहती है, इस तरफ की चलती रही है हमारी सड़की, हमारी सर्दियों में ऋषि जा रही है, पानी करके फारिग हो रहे हैं। हम अभी ढेरों ढेर बर्तन धोएंगे, जो गर्म हो गया कि नहीं। बारिश हल्की हो गई है बिल्कुल, बादलों की आवाज़ इतनी प्यारी लगी। मुझे रात की बारिश वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है। बाहर आई हूँ इसी वक्त में और बिजली चमक रही है यहाँ पर सामने, अभी कुछ नजर ही ना आ जाए, डर लग रहा है मुझे तो। अभी अभी हवा भी रुकी है, बारिश भी अभी अभी रुकी है, बिजली चमक रही है। वो देखिए बिजली तो तेज चमक रही है, लेकिन बादल इस तरह नहीं गरज रहे हैं जिस तरह गरजते हैं ना, इधर आते हैं जो इस तरह। बिजली तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चमक रही है। और अभी हम बनाएंगे मिल्कशेक, चलो बनाते हैं। मम्मा आपने सारे इंग्रेडिएंट्स रख ली? आप नहीं पियोगी क्या? चलो ठीक है फिर बनाते हैं। ये ऋषि किधर है? ऋषि की मुझे आवाज़ें आई जा रही है, ऋषि कहाँ हो? शाबाश, क्या हुआ है? क्या फीडर उधर फीडर रखा था, फिर अब उधर रखा क्यों था? चलो ये लो पकड़ो अपना फीडर। मम्मा बनाया नहीं, बिजली चमक रही है अभी तो बाहर, हवा भी सारी बंद हो गई है, बिजली चमक रही है, पता नहीं हवा और बारिश तो बंद हो गई। वो सामने मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी दोबारा चमकी वो देखिए।
यहाँ पर मैंने सीन देखा तो स्टोरी चल रही है जिन दिखाऊंगा तो गाइस हमारे घर में जिन की चल रही है मैं जिन दिखाती हूँ अभी कभार ये कैमरा में कैप्चर हो जाता है तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ ये लेटा हुआ है वो यानी इसके रोड पे ये लेटा हुआ है वो पैसा बर्बाद वो जिन ठीक हो ये जिन है वो जिसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो बन गया चलो जी मिल्क शेक बन गया ये मुजम्मिल को एक दे दो एक आप पी लो ये मुजम्मिल को देखो और ये इधर मैं दही जमा देती हूँ इसमें ये सहरी के लिए ना चलो जी इसको मैं रखती हूँ दरी भाप के रख देती हूँ शाबाश उल्टे काम जिसने उल्टे काम सीखने हो ना अरुषि आपको क्लासेस दे देगी अरुषि आप दे दोगे इनको क्लासेस बस आप लोगों ने क्लासेस अरुषि से लेनी है ये मैं तो खुद अपना लेके अब जा रही हूँ मिल्क शेक और ये बर्तन वगैरह इशाल धोते गए मुझसे तो अपने ही धोते तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है मेरी स्टमक में बहुत पेन है दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ फिर से शुरू हो गई है बारिश ये देखें ज़बरदस्त मौसम बड़ा अच्छा लगता है रात की बारिश पसंद है बिल्ली ना घुस जाए कहीं किचन में ऋषि अंदर आ जाओ आप भी आएगी रूम में चलो बाबा को कहते हैं आपको लेके जाए ये देखिए मेरा सूट है वाओ ब्यूटीफुल ऋषि का भी बिल्कुल ऐसा है बल्कि हम चारों का मेरा हरम का और नूर का एक जैसा सूट है ये इस तरह का ऋषि का भी ये अभी मैं इनका सिलाई कर चारों का थोड़ा सा भी रहती है बाजू नहीं रहते इसके ऋषि का हो गया ये ट्राउजर सिलाई हो गया ये इसका भी फ्रॉक अभी रहता है थोड़े थोड़े रहते हैं अभी सिलाई करनी है और फिर मम्मा मैं तो अभी कहती हूँ सिलाई तो हो जाने दो कंचे खेल रहे चार भाई में बैठ के कभी खेले हैं नहीं पहली बार खेल रहे किसने सिखाए हैं ये मैं नहीं बताऊंगा किसने इसीलिए इस तरह खेल रहे खेलने नहीं आते मुझे नहीं आते जमील नहीं आते जमील से कोई निशाना नहीं लग रहा अच्छा दोबारा अच्छा ठहरो किसने किसने मारना है जिसको मर्जी मार दे वो जिसको मर्जी मार दे मार सकते हैं ब्यूटी लग जाता है मुजम्मिल 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 खेल के दिखा किसी को भी मार सकता हूं ऐसे अच्छा ठहरो खेल के दिखाना नहीं मार किसी राजा जल्दी जल्दी किसी को भी मार सकते ना किसी को मार बाबा ने सिखाए ये हैं मुजम्मिल तो फिर किसने सिखाए पता नहीं मुझे खुद ही बोल रही है मैंने ऐसे क्या ऊपर से छोड़ा अच्छा अच्छा रुको क्या कैसे मारे मुजम्मिल दिखा रहे नहीं इसको नहीं खेलना आता अच्छा नहीं खेलो ये गंदा खेल लगता है मुझे ये बड़ी अच्छी बात कही आप मैं राजा छोड़ो ना मारना तो आता नहीं इस तरह करके मारते हैं अच्छा ये इस तरह मारते हैं One hour later. वो ड्रा क्यों रहे हो? को पकड़ो चेयर निकालो भाई और
थकावट एवरीथिंग ओके अच्छा जी करके देखेंगे पीछे बना देंगे वो नहीं आए ना हरम और नूर वगैरह अंधेरा ही अंधेरा हुआ हुआ पीछे रिश मेरी गुड़िया बैठ गई मेरे पास बाबा के पास जाना है हैं नजर ही नहीं आ रहे आप लोग भूत लग रहे हो आओ नजर आए ओए बस अब रूश भी कह रही है आसमान पे दिखाएं जरा ये देखो आसमान पे इस तरफ बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है बिजली की चमक से मेरी दाढ़ी भी वाइट हो गई है देखिए ये देख रहे हैं प्यारा मौसम अल्लाह सुभान व तआला ने रमजान शरीफ बड़ा ही प्यारा गुजारा ठंडा ठंडा बारिश का मौसम है अभी हम छत पे बैठे हैं रोज फातिमा भी बैठी हुई है रात के 2 बज रहे हैं दो नहीं बज रहे हैं अभी 8 बज रहे हैं जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे ये तो पुल खोल के दे राजा तंग ना कर ओए तंग ना करो तो हमारी YouTube फैमिली ये था हमारा आज का वीलॉग अफ्तारी के बाद ना मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया था थोड़ा सा वो आपके साथ लम्हात शेयर किए हैं थोड़ी सी वो रूटीन किया बारिश अभी तो थमी हुई है लेकिन थोड़ी देर बाद उम्मीद है बारिश हो जाएगी ठीक है तो मौसम बहुत अच्छा है लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और ये रमज़ान शरीफ पूरा मौसम बहुत अच्छा है रमज़ान में तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस वीलॉग को एंजॉय कीजिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं अरूश के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा रमज़ान की अफरानी नमाज में आखिरी अशरा शुरू होने वाला है खूब ढेर सारी यहाँ से अल्लाह सबकी मुफ़्त फरमाए और सबके रोज़े कबूल फरमाए और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद